जी के मटका का मक्खन उतार के लाए, पूरे टीम को खिलाए भाई मनोज जी। आप देख रहे हैं नंदन ब्लॉग। हम अभी पहुंच चुके हैं खानपुर प्रखंड के एक ऐसे गांव में जहां पे आप देखेंगे मटकापुर का आयोजन किया गया जो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। इधर देखेंगे इतना बड़ा जो आयोजन किया गया है दीपक कुमार जी के द्वारा, और दीपक कुमार संजोए रहे यही हमारी आकांक्षा है। और उन्होंने जो नवदीप नवयुवक क्लब का आयोजन किया था जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को भली भांति इसी तरह से सींचते रहे जिसे युवाओं में और बच्चों में उत्साह पैदा होता रहे। दो दिनों बाद से पहुंच चुके हैं नंदलाल जी, और हम अपने कुछ अपने टीम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आप लोग प्लीज इनके बात को बड़ी प्रेम से सुनिएगा। और ये जो नवदीप नवयुवक क्लब है, नव मतलब नया, दीप मतलब प्रयास कर रहे हैं सभी युवा मिल के। आप लोग से हम भी प्रयास करना चाहते हैं, आप लोग इस चीज में हमें सहयोग करें, हमारे साथ चले, काम मत घीचे, हाथ जरूर घीचिएगा। आप लोग हम आप सबसे यही उम्मीद के साथ आप लोग ऐसा ही प्रोग्राम करते रहेंगे। महाराज से इन्हें स्वागत करें सतीश यादव जी प्रदेश बड़े। और सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार है। और ये मेरा सेकंड बार यहाँ आना हुआ है, बहुत अच्छा जगह है यहाँ। और पिछले बार भी हम आए थे, बहुत अच्छा से कार्यक्रम हुआ था यहाँ। और हम यहाँ खास करके आए हैं कि आपके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसी में हमारे साथ देने के लिए कुछ साधनाएं से हैं, उसी को सर्टिफिकेट वितरण करने के लिए करने का मौका मिला है। और आप लोग के साथ हम लोग और कार्यक्रम का शुरुआत किया जाए तो हम लोग भी कुछ क्षण कार्यक्रम को देख पाएंगे। 30 बच्चे को शिक्षित करने का बहुत अच्छा प्रयास की थी मीरा कुमारी। मीरा कुमारी का आप लोग एक ताली बजा के स्वागत कीजिए प्लीज। कहा जाता है कि एक परिवार, कहा जाता है कि एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित माना जाता है, जबकि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जो पिएगा वो दहाड़ेगा, निश्चित तौर पर ये करके दिखाना चाहती है छोटी सी बच्ची। और इसके लिए अभी सम्मान के लिए मीरा कुमारी को हम आदरणीय जिला परिषद जी और अन्य अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वो मीरा का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे बीच रानी कुमारी जी है, रानी कुमारी जी आ जाए और लिफाफा देकर सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार ताली। इन्होंने खाना है चक्का को विकास करके रहना है, चक्का को जगाना है। यादव सेना की तरफ से प्रमाण पत्र, दीपक जी की तरफ से लिफाफा और अंग वस्त्र प्राप्त करते हुए रानी कुमारी। सरपंच साहब से, सरपंच साहब से अनुरोध करेंगे कि वो सम्मान करेंगे शिल्पा जी का। इन्होंने पिछले एक साल तक बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया। आज यादव सेना की तरफ से प्रमाण पत्र, दीपक जी की तरफ से लिफाफा और अंग वस्त्र प्रदान करते हुए सरपंच साहब, जिला पार्षद जी और यादव सेना के श्री सतीश जी, संजीव जी अपने बहन पुष्पांजलि के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। Sometimes, like all you want to do is run.
दूसरा प्रयास कर रही है, आप लोग देखेंगे और देखिए दूसरा प्रयास सफल रहता है कि नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। अब देखिए दूसरी टीम क्या कर रही है, फिर दूसरी टीम भी सभी लोग आए हुए हैं और देखिए मटका फोड़ पाते कि नहीं, वीडियो में बने रहेंगे, दूसरी टीम को भी देखा जाए। पानी दीजिए शरीर पे, अभी गर्म बढ़िया से, बहुत सुंदर। दूसरी पंक्ति में खड़े लोग ध्यान रखेंगे, आपके वजन को पहली पंक्ति के लोग संभालते हैं, इसीलिए अच्छा से खड़े हो जाए, और जब तक तीसरी पंक्ति में खड़े नहीं होंगे तब तक वहां नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए मजबूती के साथ मनोज बाबू दूसरी टीम को लगाए, और दूसरी टीम कंप्लीट होने के बाद तीसरी टीम को लगाएंगे ऊपर में। फिर मटका जो आपके प्यार में घंटों से ऊपर बंधा हुआ है आपके हाथ में आ जाएगा, और इस प्रकार आप हैट्रिक लगा पाएंगे। मनोज बाबू हैट्रिक के प्रत्याशा में संजो चले भाई मनोज जी की टीम और कृष्ण जी के मटका का मक्खन उतार के लाए, पूरे टीम को खिलाए भाई मनोज जी। ए धरासर हेलो, दोनों टीम सुन लीजिए, दोनों टीम सामूहिक होकर टीम से जल्दी कीजिए, नहीं बच्चा इस बार भूल जाना चाहिए, अरे टीम होने दीजिए, इतना धरफरा कर रहे हैं, व्हाइट टी शर्ट आप इतना क्यों धरफरा रहे हैं, हेलो व्हाइट टी शर्ट आप इतना नहीं धरफराइए, अब तो तीन मान लीजिए, अब आराम से देख लीजिएगा। दोनों टीमों के अथक प्रयास से जो है मटका फोड़ा गया और बहुत खुशी का माहौल था उस समय, और एकदम काफ़ी सभी लोग एकदम देख रहे हैं आपस में, एकदम उसमें माखन के लिए एकदम झंझट कर रहे हैं आपस में, एकदम ये प्रेम है सभी लोगों का। और चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।